सलमान भाई की फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। वहीं आज इस वीडियो में जानने वाले हैं इस फिल्म के आठवें दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में। सात दिनों में बहुत ही एक्सीलेंट कलेक्शन आई और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। चलिए दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपको, मैं अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। टाइगर जिंदा है 82nd फ्राइडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट, और इसका जो दूसरा वीकेंड है उस वीकेंड में भी अच्छे स्क्रीन काउंट्स मिला है और अच्छी कलेक्शन भी करने वाली है। आपको मैं अपनी नीचे स्क्रीन पे ले चलता हूँ, देख सकते हैं टाइगर जिंदा है 8 डे इनकम रिपोर्ट। टाइगर जिंदा है का पहले दिन का कलेक्शन 34.10 करोड़, वहीं दूसरे दिन की कलेक्शन 35.30 करोड़, तीसरे दिन की कलेक्शन 45.53 करोड़, चौथे दिन की कलेक्शन 36.54 करोड़, पांचवे दिन की कलेक्शन 21.60 करोड़, वहीं छठे दिन की कलेक्शन 17.55 करोड़ और सातवें दिन की जो कलेक्शन साइज 15.42 करोड़। वही आठवें दिन की जो रिपोर्ट अब तक आ गई है 15 करोड़ का कलेक्शन हो गया है, मतलब इंडिया में इस फिल्म ने 221.04 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो मैं आपको अपने ऊपर स्क्रीन पे ले चलता हूँ। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन जो है 295+ करोड़ की कलेक्शन हो गई है। वहीं ओवरसीज में इस फिल्म ने 85 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 380 करोड़ की कलेक्शन कर ली है 8 दिनों में। तो दोस्तों, ये फिल्म जो है 8 दिनों में बहुत ही अच्छी कलेक्शन की है। समझिए 9 दिनों में इस फिल्म ने 400 करोड़ की कलेक्शन कर ली वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, इस कलेक्शन से आप कितना खुश हैं आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इसी न्यूज़ पात्र रहने के लिए आप